लद्दाख में चीनी और भारतीय सेना सिंह फंसाकर आमने सामने खड़ी हैं। दोनों तरफ जबरदस्त तनाव है। कहने को तो मिलिट्री स्तर पर डिसएंगेजमेंट के लिए वार्ता चल रही है, पर यह दिखावा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दोनों पक्ष वार्ता के पर्दे के पीछे रोज नए मोर्चे खोल रहे हैं और मिलिट्री बिल्डअप को बढ़ाते जा रहे हैं। चीन इस इंतजार में बैठा है कि कब भारत दबाव में आकर राजनीतिक बातचीत की पेशकश करता है, ताकि इसे चीन की जीत के रूप में देखा जाए। पर यहाँ तो उल्टा हो गया। मोदी ने तो लद्दाख में जाकर उल्टा चीन को ललकार दिया, चीन को काटो तो खून नहीं। मोदी की यह उलटबांसी से चीन की सारी सलामी स्लाइसिंग की रणनीति धरी की धरी रह गई है, जिसके जरिए वह अपने पड़ोसियों की जमीन को छोटे छोटे अतिक्रमण करके हड़पता है। पूरी दुनिया सुखद आश्चर्य से बदले हुए भारत के तेवर को देख रही है। पाकिस्तान जैसे टुटपुंजिये देश के फैलाए आतंकवाद से लड़ता कश्मीर पर दुनिया से सपोर्ट के लिए घिघियाता भारत आज इस दानव रूपी ड्रैगन चीन के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाएगा, यह किसी ने भी नहीं सोचा था। अमेरिका जैसा देश भी साउथ चाइना सी में चीन से सीधा सीधा आमना सामना करने से बच रहा था। पूरा का पूरा आसियान देशों को चीन अपनी कॉलोनी जैसा ट्रीट करता है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश जिनकी सुरक्षा संधि अमेरिका जैसे सुपर पावर के साथ थी, उन्होंने भी इससे उलझने से परहेज रखा। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन को तो यह अमेरिकी चमचे से ज़्यादा नहीं समझता। भारत के प्रति भी इसके मन में कोई विशेष आदर भाव नहीं था। हमारे पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकलाप को इसने अच्छी तरह अध्ययन किया था। इसे पता था कि भारत जब तक पाकिस्तान से उलझा रहेगा, चीन भारत के लिए एक बड़ी शक्ति बना रहेगा। एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों से उलझना भारत के किसी भी सरकार के लिए संभव ही नहीं था। नतीजतन सारी सरकारों ने चीनी दबाव को नज़रअंदाज किया। चीन की पीएलए धीरे धीरे जमीन हड़पती रही, एलएसी को अपनी सुविधा अनुसार आगे बढ़ाती रही। वैसे तो कांग्रेसी सरकारों ने तो चीन के परिप्रेक्ष्य में हिमालयन ब्लंडर किए, जिस पर तो ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। लेकिन खुद बीजेपी के वाजपेयी सरकार की विदेश नीति भी बहुत ढुलमुल और कमजोर थी। मई 1999 में होने वाला कारगिल वार चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत से हुआ था। मुशर्रफ उस वक्त चीन में ही बैठा हुआ था। कारगिल की योजना फरवरी 1999 में ही बननी शुरू हो गई थी, जब स्टेट्समैन बनने की चाह में वाजपेयी ने अति भावुकता में बस में लाहौर की यात्रा की थी और मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया था। दुष्ट मुशर्रफ ने प्रोटोकॉल के तहत वाजपेयी को सैल्यूट नहीं किया। एक दूरंदेशी प्रधानमंत्री को यही समझना चाहिए था, इस दुष्ट के मन में कीड़ा है। मगर वाजपेयी साहब थोड़े कवि हृदय थे, इग्नोर किया। नतीजा हमारे 2500 जवानों की बलि ले ली गई। वाजपेयी सरकार की दूसरी ब्लंडर 2003 में चीन यात्रा के दौरान हुई, जब दोबारा स्टेट्समैन बनने की चाह में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को चीन का हिस्सा मानने के समझौतों पर दस्तखत करके आ गए, वो भी चीन से बिना कुछ हासिल किए। चीन के धूर्त राजनेता अच्छी तरह समझ गए, एलएसी पर डर दिखाकर और दबाव बनाकर भारत को हमेशा साधा जा सकता है। उसके बाद 2004 से शुरू हुआ 10 साल के मनमोहन सिंह के कांग्रेसी कार्यकाल का दौर। यह समय चीन के लिए स्वर्णकाल साबित हुआ। इस दौरान चीन को सीमा पर शांत बनाए रखने के लिए मनमोहन सरकार ने चीन से होने वाले आयात को खुली छूट दे दी, यानी कि चीन मनमर्जी से अपने सामानों की डंपिंग करने लगा। चीन को जब भी अपनी बात मनवानी होती थी, वह सीमा पर घुसपैठ शुरू कर देता था। मनमोहन सिंह वैसे भी प्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर थे। चीनी घुसपैठ को चीन की शर्तों पर ख़त्म करना पड़ता था। हर घुसपैठ में यह दुष्ट देश कुछ न कुछ इलाका हड़प लेता था। मीडिया को भनक भी लगती थी तो इसे तूल नहीं दिया जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में चीन से हमें $40 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ और हमने चीन से अच्छी खासी जमीन भी गंवाई। यह अंजाम होता है भूखे भेड़िए से बचने के लिए उसे मांस खिलाने का, जो बाद में आपको ही खाता है। मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी कायरता यह थी कि चीन के डर से इसने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हिम्मत ही नहीं की। सोनिया और राहुल जो आज मोदी के पराक्रम की राह में रायता फैला रहे हैं, उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। लंबे समय से चलते आ रहे इस खेल में बदलाव आया 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई। मोदी ने जब फाइलों को पढ़ना शुरू किया,
और चीन पर देश की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट देखी तो वह अवाक रह गए। पिछली सरकारों ने देश को चीन के हाथों आर्थिक गुलामी और भौगोलिक अखंडता पर खतरे की तलवार लटका दी थी। चीन और पाकिस्तान दोनों अलग अलग मोर्चों पर भारत पर वार किए जा रहे थे। मोदी ने चाणक्य नीति के तहत दोनों दुश्मनों को एक साथ टैकल नहीं किया, बल्कि चीन के साथ व्यापारिक हितों को और प्रगाढ़ बनाकर इंगेज किया। चीन को आगे 20 सालों में $500 बिलियन व्यापार के सपने दिखाए। जिनपिंग फिदा हो गए। मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री मशहूर हो गई। इसी आड़ में मोदी ने पाकिस्तान को कमजोर करना शुरू कर दिया। हर मोर्चे पर पाकिस्तान की पिटाई होनी शुरू हो गई। अमेरिका ने इसमें खुलकर भारत का साथ दिया। पाकिस्तान फैटअप के ग्रे लिस्ट में चला गया और इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो गया। इसी बीच मोदी सरकार ने चीनी सीमा पर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू कर दिया। 2017 तक काफ़ी काम हो गया था। चीन को ऐसा लगने लगा कि भारत सीमा पर कुछ ज़्यादा तेजी दिखा रहा है। उसने भारत को सबक सिखाने की गरज से भूटान के डोकलाम तक अपनी सड़क बनानी शुरू कर दी, ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा पैदा किया जा सके। भूटान की सुरक्षा भारत के हाथों में थी। भारतीय सेना चीनियों के आगे डट गई। 73 दिनों के स्टैंड ऑफ के बाद चीनियों को पीछे हटना पड़ा। यह भारत की चीन पर ऐतिहासिक रूप से पहली मनोवैज्ञानिक जीत थी। अब तो भारत खुलकर खेलने लगा। सीमा पर बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार दोगुनी हो गई। 5 अगस्त 2019 के बाद जब भारत ने 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यह चीन के अक्साई चीन और CPEC को जबरदस्त चुनौती थी। चीन ने इसके बदले के कार्रवाई की तैयारी 2020 के गर्मियों की शुरुआत के साथ कर दी थी। उसने तिब्बत में युद्धाभ्यास के बहाने लद्दाख में अपनी सेना घुसा दी। उसका अनुमान था कि कम समय में ही एक बड़ी सेना खड़ी कर वह भारत को झुकने पर मजबूर कर देगा। बदले में उसे LAC पर बढ़त और CPEC की वैधता मिल जाएगी। पर दांव उल्टा पड़ गया। DSDBO रोड और डॉलर बेग ओल्डी में स्थित हवाई पट्टी की बदौलत भारत ने काफ़ी कम समय में ही चीनी सेना को मैच कर दिया। चीनी PLA कोई भी रणनीतिक बढ़त नहीं ले पाई। अभी वह LAC पर 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे जाने का सर्कस कर रही है, जिसे उन्होंने चीनी लेखक शुंजू की किताब आर्ट ऑफ वार से सीखा है। भारत भी चुपचाप उसका करतब देख रहा है। इधर साउथ चाइना सी में अमेरिकी जंगी बेड़े चीन का हाजमा दुरुस्त करने पहुंच गए हैं। जापान ने भी अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ऐसा लग रहा है मानो अब युद्ध हो ही जाएगा। पर यकीन मानिए, अगर युद्ध हुआ तो भारत लद्दाख में PLA को लील जाएगा और शुरुआत हो जाएगी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खात्मे की। और यह होना भी चाहिए, क्योंकि वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले इस रिजीम को सत्ता से बेदखल कर सजा देने का वक्त आ गया है।